नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। फिलहाल दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त मैं मौजूद हूं और दिल्ली में चुनाव अब नजदीक है, 10 दिन का वक्त बचा और ऐसे में हर पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाती नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत, बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में होंगे। आज की अगर बात करें तो अमित शाह आज 4 रैलियां करेंगे, उसमें अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली में भी वो रैली करेंगे। वहीं स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मैदान पर उतरेंगे, उनके प्रचार प्रसार में जुटेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी भी आज रोड शो करेगी, 4 रोड शो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किए जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर ये भी कि शाहीन बाग का जो मुद्दा है वो भी दिल्ली चुनावों में अब दिखता नजर आ रहा है, बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। इसी को लेकर जंतर मंतर पर आज शाहीन बाग की महिलाएं इकट्ठा होंगी, सीए के खिलाफ उनका जो विरोध है वो आज जंतर मंतर से भी वो अपना विरोध दर्ज कराएंगी। और उस विरोध प्रदर्शन में योगेंद्र यादव स्वराज पार्टी के जो नेता हैं वो शामिल होंगे, आयशी घोष भी वहां पर पहुंचेंगी और आरजेडी के मनोज झा भी वहां पर पहुंचेंगे। वो भी अब से थोड़ी देर में ही ये प्रदर्शन भी, ये विरोध भी उनका शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ देशद्रोह के आरोपी शर्जिल को कल बिहार से गिरफ्तार किया गया था और अब इस पूरे मुद्दे पर आज उसे दिल्ली लाया जाएगा, पूछताछ उससे होगी इस पूरे मुद्दे पर। वहीं एक बड़ी खबर बिहार से भी आ रही है क्योंकि जेडीयू में दरार की अब स्थिति दिखती नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार ट्विटर पर अलग अलग ट्वीट पार्टी लाइन से हटकर कर रहे थे, वहीं अब जब नीतीश कुमार से इसको लेकर सवाल पूछा गया, नीतीश कुमार ने साफ किया कि अगर उनको पार्टी में रहना है तो भी ठीक है, अगर वो पार्टी में नहीं रह रहे तो भी ठीक है। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर को निलंबित कर दिया जाए। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जंतर मंतर में क्या होने वाला आपसे थोड़ी देर में इस स्थिति को समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त जुड़ी हुई है, चंदन भी हमारे साथ जंतर मंतर से ही जुड़े हुए। सीधे प्रियंका का कर लेते हैं। प्रियंका, अब से कितनी देर बाद वहां पर लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे, शाहीन बाग की महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी और कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंचने की संभावना है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अर्पिता मैं आपको तस्वीरें जंतर मंतर की ये दिखा रही हूँ, जहाँ पर तैयारी जो है वो हो गई। आप देख रहे हैं कि जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है, महिला सुरक्षाकर्मी, पुरुष जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस उनको ब्रीफ कर रही है। और ये पूरा शाहीन बाग का जो की जो महिलाएँ हैं, माना जा रहा है कि आज वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगी। ये जो प्रोटेस्ट है ये NPR, NRC और CA के विरोध में है। CA को वापस लेने के बाद तमाम दिनों से शाहीन बाग की ये महिलाएं कर रही हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने अभी दर्शकों को बताया, यहाँ स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव पहुंचने वाले हैं, RJD से मनोज झा पहुंचेंगे और इसके अलावा आयशी घोष जो कि JNU की जनूसू जो छात्र संघ यूनियन है उसकी प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगी। तो फिलहाल पुलिस की तैयारियाँ पूरी यहाँ पर हो गई है। 11 बजे का कॉल टाइम दिया गया है, ऐसे में माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद धीरे धीरे लोग यहाँ जंतर मंतर पर जुटना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है, लेकिन 11 बजे की ये कॉल दी गई है। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि शाहीन बाग की दादियाँ जो काफ़ी पॉपुलर हैं खासतौर पर सोशल मीडिया की अगर बात करें, तो वो भी आज यहाँ पर पहुँचेंगी और अपने मुद्दे को जंतर मंतर से तमाम मीडिया के जरिए सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगी। जी अर्पिता। चलिए प्रियंका, आपके पास लौटूंगी। चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर ये लोग जुटेंगे, सीए का मुद्दा जो है और शाहीन बाग का मुद्दा जो दिख रहा है कि दिल्ली चुनावों में ये अब बड़े मुद्दे बन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों की नज़र जो है शाहीन बाग पर लगी हुई है। वहाँ से किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं और वहाँ किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो दिल्ली के चुनाव को प्रभावित कर सकता है, एक ये माना जा रहा है। क्योंकि पिछले 6-7 दिनों में हमने देखा कि शाहीन बाग का मुद्दा काफ़ी ऊपर उठ कर के आया है और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है। हालाँकि आम आदमी पार्टी वापस अपने काम को लेकर के जनता के बीच जाना चाहती है। एक और घटना जो हुई, बीजेपी ने कुछ वीडियोस दिखाए आम आदमी पार्टी के स्कूलों को लेकर के, जो कामकाज के दावे थे उसको लेकर के, लेकिन आज जो है संजय सिंह और पंकज गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से जाएंगे चुनाव आयोग और वो शिकायत करेंगे कि दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक फ्रॉड वीडियो जो है वो जारी किया गया और दिल्ली सरकार के स्कूलों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, चुनाव आयोग में आधिकारिक तौर पर शिकायत की जाएगी। लेकिन जहाँ तक जंतर मंतर की बात है तो जंतर मंतर पर एक बार लोग इकट्ठा शुरू हो जाएंगे, इकट्ठा होंगे, उसके बाद देखना होगा कि यहाँ से किस तरह
तरह की आवाज़ दी जाती है, क्योंकि संसद जो है वो यहाँ से करीब है, जितने सांसद रहते हैं वो यहाँ से करीब रहते हैं, तो देखना होगा कि सत्ता के करीब आकर कि किस तरह की आवाज़ें उठाई जाती, क्योंकि शाहीन बाग से हमने सुना कि किस तरह की आवाज़ उठ रही थी, और यहाँ जंतर मंतर से आकर के वो CA हो या NRC हो, इनके खिलाफ क्या बोलते हैं ये देखना लाजमी होगा। शाहीन बाग में देखिए 15 दिसंबर से लगातार वहाँ महिलाएं, बच्चे और लोग जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, CAA को लेकर उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, और इस सब के बीच राजनीति भी तेज होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार को सुलह करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार यानी अमित शाह भी ये खुलकर कह चुके हैं कि केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस तरफ है, किस किस दिशा में है, उन्हें अपना रुख भी स्पष्ट करना चाहिए। इसी बीच जो शाहीन बाग का मुद्दा है वो अब देखते देखते देश के कई हिस्से को छूता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में भी दरअसल अब महिलाएं CAA को लेकर सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। दिवाकर हमारे समय सहयोगी, उनकी एक रिपोर्ट जरा पहले देखिए, जिससे आप भाप पाएंगे कि अलग अलग देश के हिस्सों में दरअसल अब ये शाहीन बाग का उठा हुआ मुद्दा किस तरीके से अलग अलग हिस्सों को भी प्रभावित कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में मुंबई में चल रहा प्रदर्शन आज भी जारी है। आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है, और यहाँ पे देखिए इस प्रदर्शन में चाहे महिलाएं हों, स्टूडेंट्स हों या पुरुष हों, तमाम जो लोग हैं वो इसमें लगातार हिस्सा ले रहे हैं। लोगों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग संदेश जो मोरलैंड रोड है नागपाड़ा का, मुंबई सेंट्रल के पास का, वहाँ पर लिखे जा रहे हैं, और अलग अलग मैसेज के जरिए जो है NRC और CAA कानून के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग संदेश, ये प्रदर्शन 3 दिनों से जारी है। रविवार की रात को 10 बजे के आसपास ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, और तब से आज तीसरा दिन है, और ये प्रदर्शन लगातार जारी है, बढ़ता जा रहा है। इसमें जुड़ने वाले लोग जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह से प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, और खास तौर पर इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई बाग, इस प्रदर्शन के नाम को जो है ये मुंबई बाग प्रदर्शन नाम दिया गया है। और इसी तरह से मैं आगे की तरफ आपको लेके चलूंगा, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं 3 दिनों से, और दूसरी तरफ पहले आपकी नज़र में ले आता हूँ इन दीवालों पर, जो इस मोरलैंड रोड की बगल की दीवारें हैं, वहाँ पर जो है अलग अलग मैसेज, अलग अलग मैसेज लिखे गए हैं, चाहे वो CAA कानून और NRC के विरोध में मैसेज हो, या फिर मुंबई पुलिस जिस तरह से सपोर्ट कर रही है उसके लिए ये लोग मुंबई पुलिस को धन्यवाद कह रहे हैं। ये तमाम आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी दीवार जो है वो मैसेज से भर गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह जो 3 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, लोग जो है वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं इस मैसेज के जरिए। इसी बीच बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा दे, दरअसल बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, जिन्होंने कल ही एक विवादास्पद बयान दिया था, जम्मू कश्मीर से दिल्ली की तुलना कर दी थी, और ये कहा था कि अगर आपको यहाँ सुरक्षित रहना है तो बीजेपी की सरकार को आपको चुनना होगा। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रवेश वर्मा को धमकी मिल रही है, फोन उनको किया गया, धमकी भरे फोन उनको आ रहे हैं, और ये नंबर किसका है फिलहाल अब ये सब जांच का विषय है। आपको बता दें कि जिस तरीके से शाहीन बाग के मुद्दे को छूते हुए उन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया, उसके बाद अब उनको धमकी मिलने लग गई है, वो ये बात कह रहे हैं। जाकर करता हूं तो दिल्ली की जनता को सच पता लग जाएगा। सर, शाहीन बाग में कल एक घटना देखने को मिली जहां एक आदमी बंदूक लेकर जहां प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पहुंचा था, कांग्रेस का आरोप है कि वो आम आदमी पार्टी का आदमी था। देखिए, अभी आपने देखा था ब्रिटेन में, लंदन में, वहाँ पे ब्रिज के ऊपर में एक आतंकी ऐसी बंदूक को लहरा रहा था, उसने वहाँ पे पुलिस ने उसको मार दिया, मगर पूरे ब्रिटेन में इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि वो एक आतंकवादी था। अगर कल यहाँ पे शाहीन बाग में जो व्यक्ति बंदूक लेकर आया, अगर पुलिस उसको मार देती, तो आज देश की सड़कों पर क्या हो रहा होता और सारी मीडिया क्या कर रही होती, आप भी जान। मेरे सहायक हैं वीरेंद्र, उनको आज सुबह 8:11 के ऊपर ये कॉल आया, कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया, और उन्होंने पूछा ये प्रवेश वर्मा का नंबर है, उसने बोला हाँ, तो उसने कहा उनको बता देना कि जो वो आजकल बोल रहे हैं हम उनको वहीं पर पहुंचा देंगे जहां से वो आए हैं। तो ये सारी बात मैंने अभी पुलिस, जो हमारे यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ, और वो इसके ऊपर मैं कार्रवाई करेंगे। दीपक मिश्रा हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, कोई जानकारी मिल पाई है कि ये जो नंबर था दरअसल ये कहाँ का था, किसका था, और कौन है जो धमकी दे रहा है? देखिए, अभी तक जो भी ये नंबर आया है इसको पुलिस जो है उनकी शिकायत के आधार पर ट्रेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो नंबर है ये एक अलग तरह का यूनिक नंबर होता है जिससे कॉल की जा सकती है, लेकिन ऑनलाइन कॉल करने का ये नंबर होता है, तो पुलिस
उसी तरह से उसी शिकायत के आधार पर जांच करेगी, क्योंकि जिस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए गए थे उसको लेकर ये धमकी थी कि वो अपने इस तरह के बयान ना दें और वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा, उनको जान से मार दिया जाएगा। इस तरह की धमकी उनके उनके फोन पर मिली है। तो कुल मिलाकर पुलिस का कहना है कि अभी ट्रेस किया जा रहा है कि नंबर कहाँ का है, और क्योंकि सुबह 8:11 के आसपास उनको कॉल की गई है तो मामले की जाँच की जा रही है। तो जिस तरीके से दीपक बिश्व बता रहे थे कि फिलहाल अब जांच का विषय है कि ये नंबर किसका हो सकता है, कौन कॉल कर सकता है, लेकिन अब बढ़ रहे हैं उस खबर पर जिस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। दरअसल कल ही बिहार से शर्जिल को गिरफ्तार किया गया था, विवादास्पद बयान देने का आरोप है, जिसके बाद आज दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली लाकर पूछताछ इस पूरे मामले पर किया जाएगा। वहीं इस पूरे मुद्दे पर अब जेएनयू के छात्र भी और एएमयू के छात्र भी नारेबाजी करते नजर आए शर्जिल को लेकर, और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ बीजेपी ने शर्जिल को बताया कि ये शर्जिल जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग से ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिलाकर आज दिल्ली में पूछताछ होगी, दिल्ली लाया जाएगा। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी, उनकी ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। कल जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद पटना गर्दनीबाग थाने में रखा गया था, जो महिला थाना है, और देर रात वहाँ पर पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि बहुत कुछ पुलिस के सामने वो खुलकर नहीं बता पाया, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ज़्यादातर कॉल शर्जिल व्हाट्सएप के जरिए करता था, इसलिए पुलिस को ट्रेस करने में परेशानी हो रही थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शर्जिल गया के बाद जहानाबाद और जहानाबाद के बाद पटना पहुँचा था और एक पूर्व वार्ड पार्षद के यहाँ ठहरा हुआ था, और वही वार्ड पार्षद इसको पटना में संरक्षण दे रहा था। हालांकि जब पुलिस की दबिश बढ़ी तो फिर शर्जिल पटना से जहानाबाद पहुंच गया, और कल जब पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके बाद कई बातें सामने आई है। सुबह में उसके भाई और एक उसके दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया था, और पूछताछ के दौरान यह बातें सामने आई कि वो जो काको इलाका है वहीं पर अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। और जब पुलिस की दबिश बढ़ी, क्राइम ब्रांच की दबिश बढ़ी, उसके बाद जैसे ही वो अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा था उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। शर्जिल इमाम ने जो बयान दिए हैं वे राष्ट्रद्रोह के दायरे में आने वाले बयान हैं। देश को, असम को, नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने के बयान हैं। उसके निंदा करने के बजाय बृंदा कारात, केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे सभी लोग कहीं ना कहीं उनके समर्थन करते दिखाई देते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा दे, दरअसल निर्भया के जो दोषी हैं वो हर पैतरे आजमा रहे हैं कि किसी तरह वो बच सके, अपने डेथ वारंट जो उनके खिलाफ जारी हुआ है अपनी मौत की सजा से बच सके, उसको लेकर मुकेश ने याचिका दाखिल की थी। लेकिन जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि वो दया याचिका खारिज हो गई है। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। एहतशाम, क्या जानकारी? एहतशाम का रुख करें, लेकिन उससे पहले जरा एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ ये बड़ी खबर, मुकेश की दया याचिका की जो अर्जी उन्होंने दाखिल की थी वो खारिज हो गई है। लेकिन एक के बाद एक कोशिश उनकी जरूर हो रही है कि वो बच सके, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई रास्ते नजर आते दिख नहीं रहे हैं। एहतशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशाम, क्या जानकारी मिल रही है और अब क्या रास्ते बचते हैं इन लोगों के पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका मुकेश की तरफ से दाखिल की गई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका दाखिल की है वो बहुत जल्दबाजी में की है और सारी चीज़ों को नज़र में नहीं रखा गया और एक तरफा एक फैसला हो गया है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिया है उसकी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत लिमिटेड है, इसलिए वो सिर्फ ये देखेंगे कि क्या सारे दस्तावेज राष्ट्रपति को दिए गए थे या नहीं। इस पर आज कोर्ट ने अपना निष्कर्ष ये दिया कि जितने भी दस्तावेज इससे जुड़े थे वो दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए थे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लिहाजा जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। तो उनकी दया याचिका को जो खारिज हुई थी उसको चुनौती देने वाली याचिका अब खारिज हुई है, तो मुकेश ने अपने सभी अधिकार जो है वो लगभग इस्तेमाल कर लिए हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि इसमें चार आरोपी हैं, चार दोषी हैं, तो अभी कुछ और लोग हैं जो कुछ अन्य याचिका
याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं, जैसा कि अब पता चला है कि अक्षय ने भी याचिका। देखिए आप बहुत पैनी नजर लगाए हुए थे बहुत दिन से इस पूरी खबर पर, अभी संभावना क्या दिख रही है, क्योंकि 1 फरवरी को ही ये फांसी का ऐलान हुआ था, डेथ वारंट जारी हुआ है, संभावना अब क्या नजर आ रही है, क्योंकि आप बता रहे 4 दोषी है, मुकेश ने तो अपनी जो ज्यादातर संभावनाएं दिखती है बचने की उसको पूरा कर लिया, अब उनके पास ऐसे कोई ऑप्शन बचे नहीं है, लेकिन और जो दोषी है उनके पास क्या विकल्प, और क्या ये मुमकिन है कि 1 तारीख को ही ये सब फांसी के फंदे पर झूल जाए। देखिए अभी एक याचिका अक्षय की तरफ से आई है जो कि क्यूरेटिव पिटीशन है, जिसे भूल सुधार याचिका कहते हैं, वो दाखिल की गई है कल। अब हो सकता है कि उसकी सुनवाई कल हो जाए और कल ही निपटारा हो जाए या एक दिन में निपटारा हो, तो ये देखने वाली बात होगी कि उस याचिका, चूंकि वो याचिका दाखिल हुई है तो उसका निपटारा होना ही है, तो वो निपटारा होने में कितना समय लगता है ये इस पर कुछ आकलन लगाना सही नहीं होगा, तो हमें इंतजार करना होगा कि अब उसकी जो क्यूरेटिव पिटीशन है भूल सुधार याचिका उसकी सुनवाई कब होती है, उसका फैसला कब आता है, और उसके बाद फिर वो दोबारा अक्षय भी दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो जो 1 तारीख की बात है उसमें बहुत संभावना ये बन रही कि शायद वो टल जाए, लेकिन जब तक के आखिरी समय नहीं आ जाता और सभी इनके जो विकल्प हैं वो इस्तेमाल कर नहीं लिए जाते, तब तक के कोई सर्टेनिटी के साथ पूरी यकीनी तौर पर ये कहना कि 1 तारीख को फांसी हो जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, अभी बहुत सारे विकल्प दूसरे आरोपियों के पास बाकी हैं। जी लेकिन एहतशाम एक बड़ा सवाल इस बीच ये भी उठता है कि जो डेथ वारंट जारी हुआ था 1 फरवरी से पहले का, जो डेथ वारंट एक बार पहले भी जारी हुआ उसमें ये कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था इन चारों दोषियों को कि आपके पास जो भी वैकल्पिक रास्ते हैं जो आप तलाशना चाहते हैं उनके बारे में आप पहले सोच लें, अगर कोई याचिका दाखिल करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि उन सब के बाद ही डेथ वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ था। लेकिन हमने देखा किस तरीके से उस समय मुकेश ने कोर्ट में ये दलील दी कि नहीं, अगर अब डेथ वारंट जारी हो जाता है तो वो अब कोई याचिका आगे दाखिल नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक ऐसी कोशिशें की जा रही हैं ताकि ये पूरा मामला जो 7 साल से खींच रहा है वो आगे भी खींचते रहे। देखिए ये जो मामला है इसमें पूरी तरह से साफ है कि जो फांसी की सजा हुई है वो बरकरार रहेगी, उसमें किसी भी तरह का बदलाव होने की अब संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि सभी जो कानूनी तरीके हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब जो आरोपियों की तरफ से या दोषी कहें हम उन्हें, दोषियों की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि सिर्फ वो जो डेट है उसको टालें, कि पहले जो डेट थी वो टल गई, अब 1 तारीख की जो डेट है उसको वो टालें, अब कितना टाल पाएंगे ये देखना ये देखते हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति की जो गरिमा बनी है उसमें देखते हैं, भविष्य की बात नहीं है, हमें संविधान की रक्षा के लिए कार्य करने हैं और वो प्रोसेस हम जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है लैंडमार्क जजमेंट है उनके आधार पर डिसीजन होना चाहिए, और इसी आधार पर अक्षय कुमार की क्योरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है, उसमें बिल्कुल फ्रेश ग्राउंड है, नई ग्राउंड है, जो 2019 में नई ग्राउंड आई है उनके आधार पर उसमें अक्षय की क्योरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई ये है। ये सारे ग्राउंड 2019 के जो बात कर रहे हैं आप, सारे ग्राउंड कल कोर्ट में मुकेश के बारे में दिया गया, कोर्ट ने पूरे ग्राउंड को नकारते हुए कहा कि इन सब दलीलों में कोई दम नहीं है। देखिए कोर्ट क्यों ऐसा कर रही है, उनके पास लैंडमार्क जजमेंट दिए जा रहे हैं, इससे भी रेयरेस्ट टू रेयर केसेस का हवाला दिया जा रहा है, मर्सी पिटीशन के डिसीजन होने में जो जल्दबाजी की गई उसका कोर्ट को के सामने सॉलिसिटर जनरल के पास जवाब नहीं होता है कि वो किन किन मिनटों में घंटों घंटों में कैसे मर्सी पिटीशन फाइल होने के बाद जेल से निकलती है, दिल्ली सरकार मिनटों बिजली की गति से, दिल्ली सरकार कहती है मैंने बिजली की गति से ये काम कर दिया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पहुंचती है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचती है फटाफट। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार देश के महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय से अभी कितनी क्योरेटिव मर्सी पिटीशन ऑलरेडी फाइल हैं जो पेंडिंग हैं, पिक एंड चूज का फार्मूला क्यों अपनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कोर्ट ने कह दिया कि जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं विवेक का जल्दी में जस्टिस हरी जो जल्दी में लिया गया निर्णय कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, निर्णय कभी नहीं हो सकता, किसी तरह से निर्णय नहीं हो सकता। आप उम्मीद है कि ये बाकी तीनों आप बचा ले जाएंगे? हाँ नहीं, हमारा प्रयास है, हमारी कानूनी लड़ाई है, हम कानूनी लड़ाई अपने फैक्ट तथ्यों सबूत गवाहों के आधार पर लड़ रहे हैं, हमें पता है हमारे तथ्य सबूत गवाह अच्छे हैं, लेकिन जनमानस मीडिया प्रेशर पब्लिक प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर हमारे साथ आपको नहीं लगता है। आगे कोई विकल्प बाकी है? हाँ आगे विकल्प बाकी है।
तो जिस तरीके से एपी सिंह को आपने सुना और वो अभी भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी हुई, यानी 7 साल का जो लंबा वक्त खिंचा है वो उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसमें जल्दबाजी हो रही है, ध्यान से मसीह पिटीशन के बारे में देखा नहीं जा रहा है और इसलिए वो पूरा उम्मीद है कि इनको 1 फरवरी को फांसी हो जाएगी। समय कम हो है मैम, 1 तारीख को जो है आखिरी, आपको लगता है इंसाफ मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, काफी लंबी लड़ाई है, आगे भी, हाँ आगे भी लड़ाई है, उम्मीद 3 की अभी जो भी बाकी है वो करें, फाइनली उनको अब 1 फरवरी को फांसी होगी। तो आज एक ने क्यूरेटिव दाखिल किया है, एक ने क्यूरेटिव दाखिल नहीं किया, अभी दया याचिका 3 की पेंडिंग पड़ी है, ऐसे में लगता है कि ये लोग फिर एक चाल चलेंगे, लोअर कोर्ट जाएंगे, डेट बढ़वाने की मांग करेंगे। मसीह पिटीशन के रिजेक्शन के बाद भी 14 दिन का टाइम मिलता है उनको? कोई बात नहीं, मैं कानून को 7 साल से फॉलो कर रही हूँ, मैं कानून पे भरोसा करती हूँ, जो भी कानून जैसे भी समय देगा मैं उसके साथ ही चलूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब हमें इंसाफ मिलेगा और उनको फांसी होगी। अच्छा जी, रेप केसेस और इस तरह के केसेस में बहुत लंबा समय लग जाता है, सरकार और कानून से क्या गुहार लगाना चाहिए? सरकार से कानून से यही हमारी गुहार है कि जो भी अगर फाइनली उनको अगर फांसी की सजा सुना दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार एक गाइडलाइन लेके आए कि अगर 1 से ज्यादा मुजरिम है तो जिस तरह से उन्होंने क्राइम एक साथ किया, तीनों कोर्टों ने फैसला एक साथ दिया, FIR एक है, केस भी एक ही तरह में शामिल है, तो वो एक गाइडलाइन है कि जो भी उनकी रिव्यू है या मर्सी है वो साथ करें और फांसी उनको साथ। आशा जी, लगातार जो वकील है विपक्ष के वो सियासत और मीडिया ट्रायल का हवाला देके ग्राउंड्स बना रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखिए उनका जो काम है वो करें, हमारा जो काम है हम करेंगे और कानून का जो काम है कानून करेगा। और मुझे मैं 7 साल से कानून पे ही भरोसा रखती आई हूँ और आज भी रखती हूँ, जो आज उनकी सुप्रीम कोर्ट में पटीशन खारिज हुई है मैं इसका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनको जल्द से जल्द फांसी हो। सीमा जी, तो आशा देवी को आप सुन रहे थे, हालांकि उनको अभी भी उम्मीद इस बात की है कि 1 तारीख को ही फांसी होगी, वो ये बात भी कई बार मान चुकी हैं कि इसको बार बार जानबूझकर इस पूरे मामले को लटकाने की कोशिश और बचने की कोशिश ये दोषी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि इन्हें जल्द ही सजा मिल जाएगी और उन्हें न्याय मिल जाएगा। बढ़ रहे हैं आगे, JDU की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि JDU में अब दरार सी स्थिति नजर आ रही है। प्रशांत किशोर जो लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं, ट्विटर पर CA के मुद्दे पर अलग राय वो रख रहे हैं, पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं, जिसको लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार भी अब खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं कि अगर वो पार्टी में रहना चाहें तो भी अच्छा है, अगर वो पार्टी में नहीं रहना चाह रहे हैं तो भी अच्छा है। प्रशांत किशोर जो है वो आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति में भी इस वक्त अहम भूमिका निभा रहे हैं और इन सब के बाद उनका बगावती तेवर इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि JDU की तरफ से उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। क्या है ये पूरी खबर, जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। CA को लेकर उठे विवाद के बाद प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक ट्वीट किए और उसके बाद नीतीश कुमार ने जब जवाब दिया तो प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को आईना दिखाया है। हमारे साथ मौजूद हैं JDU प्रवक्ता संजय सिंह। संजय जी, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, झूठा है नीतीश कुमार। देखिए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। प्रशांत किशोर पार्टी से बड़ा व्यक्ति समझने लगे थे। एक तो रणनीतिकार थे, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, बहुत ही सम्मान देने का काम किया, बगल के कुर्सी पर बिठाने लगे तो इनका दिमाग कुछ खराब होने लगा था। आप देख रहे होंगे लगातार जो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का जो एजेंडा है उसके खिलाफ चलते थे। लोग आदमी बर्दाश्त करता था लेकिन सर के ऊपर से पानी गुजरने लगा तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जिसको रहना है रहे, नहीं तो जाए, स्वतंत्र है। 4 टांग वाला को बांध के रखा जा सकता है, 2 टांग वाला को बांध के नहीं रखा जा सकता है। और ये इस तरह का भाषा का प्रयोग जो व्यक्ति करता हो तो हमको लगता है कि मानसिक रूप से कोई विचलित व्यक्ति ही कर सकता है, ये नेता नहीं हो सकता है। जो राजनीति करता है वो व्यापारी नहीं कर सकता है, जो व्यापार करता है वो नेता नहीं हो सकता। हम तो नीतीश कुमार जी को दोषी मानते हैं। जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाते वो भस्मासुर हो जाता है, तो ऐसे भस्मासुर में इनका भी लिस्ट में नाम आ गया।
ये धंधा करने वाले हैं, धंधा करें तो ज्यादा अच्छा होगा, राजनीति में इनको ज्ञान क्या है बताइए ना। और इसी बीच बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि दरअसल आम आदमी पार्टी अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा सकती है, वो भी इस मसले पर। कल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का जो दावा था कि स्कूल की स्थिति सुधरी है उसको लेकर कुछ वीडियो ट्वीट किए थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अब चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएगी। हालांकि ये उनका आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस तरीके से भ्रम की स्थिति दिल्ली वासियों पर फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। 1024 टोटल स्कूल होने के बाद 8 स्कूलों पर आप जा रहे हैं जहां कुछ कमी है उसका वीडियो आप बना रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरविंद केजरीवाल ने की थी इसी मुद्दे पर और इस बात का जिक्र किया था कि जो अच्छे स्कूल्स हैं उनको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, तो अब आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी इस मसले पर? देखिए बिल्कुल, आज दोपहर 1 बजे संजय सिंह और पंकज गुप्ता जो पार्टी के सचिव हैं वो चुनाव आयोग में जा रहे हैं और उनकी शिकायत ये है कि जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों की फर्जी, उनका ये दावा है कि फर्जी वीडियो अपलोड किए गए और गलत वीडियो अपलोड किए गए। जैसे एक स्कूल जिसकी बिल्डिंग शिफ्ट कर दी गई है उसकी बिल्डिंग दिखाई गई है जबकि वहां पहले से नोटिस लगा हुआ था कि ये बिल्डिंग शिफ्ट हो रही है। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जानबूझ करके दिल्ली के स्कूलों की छवि खराब करने के लिए इस वीडियो का सहारा लिया गया और वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। साथ ही चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध पार्टी की तरफ से किया जाएगा कि इस तरीके के गलत वीडियो डालने पर रोक लगाई जाए। दिल्ली की सेल्फी में आपका स्वागत है और आज हम आए हैं रोहिणी। रोहिणी वो सीट जो पिछली बार बीजेपी ने जो 3 सीटें जीती थी उसमें से एक थी और यहाँ से चुने गए थे विजेंद्र गुप्ता। तो इस बार रोहिणी की जनता क्या कह रही है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के रोहिणी की सेक्टर 7 की। मेरे पीछे आप मार्केट देख रहे हैं, इसको यहाँ D12 की मार्केट कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने सफर को। अरे ई रिक्शा वाले भैया बिठा लो हमें भी। रोहिणी सेक्टर 7 के बाजार में देखिए महिलाएं यहाँ शॉपिंग में व्यस्त हैं, थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दीजिए। हम लोग दिल्ली की सेल्फी कर रहे हैं, आप हमारी सेल्फी ये ओनर से भी लेंगे और हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं। लेकिन आप भी बताइए क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीत सकता है? नहीं नहीं आप अपना बताइए, आप मत बताइए बताएं 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 इधर आके बताइए। आप देखिए हमारी सेल्फी में नहीं आए हैं अभी 1 मिनट। बीजेपी जीतेगा और जितना भी चाहिए। अच्छा अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा फ्री में कुछ नहीं चाहिए, फ्री में रहकर हम खुद ही बेकार हो जाएंगे, इसलिए हमें फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। पूरी बात रखिए, चाहिए हमें मेहनत से चाहिए। फ्री में लोगों को दोगे तो क्या होगा? अच्छा लोग आलसी, हमें आलसी दुनिया नहीं चाहिए। जो फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए हुई है वो सही नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही नहीं है। आप नीडी लोगों को दो, हर लोग हर किसी को नहीं। क्या चल रहा है दिल्ली में, कौन जीत रहा है इस बार? सर दिल्ली में बीजेपी आएगी 100% आएगी। ऐसा ऐसा क्यों? क्या सर, जो काम करने वाले हैं वो यही है, कांग्रेस बीजेपी वाले। फ्री वाला कोई काम नहीं है। अच्छा फ्री में जो आदमी देता है वो लालच के पीछे देता है। अगर अम्बेडकर में जाके जाओ एक एक बेड के अंदर 3-3, 4-4 मरीज पड़े हैं। अगर उनकी खांसी यहाँ दिल्ली में ठीक होती तो वो बंगलौर ना जाते। अच्छा। आम आदमी को यहाँ नरक बना रखा है। आप शॉपिंग के वक्त आपसे टाइम ले रहे हैं, नहीं, नहीं। ये बताइए आप हमारी सेल्फी में दिल्ली चुनाव में क्या होने जा रहा है इस बार? हम तो चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए जी। अच्छा। क्योंकि केजरीवाल हालांकि अच्छे काम कर रहा है लेकिन सिर्फ वोटिंग लेने के लिए। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। देखिए सेल्फी के लिए हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ खाने पीने के भरपूर जो आइटम्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। जैसे ही हम रोहिणी पहुंचे, देखिए ये इस दुकान पर हम आए हैं। इस बार किसका टेस्ट बिगड़ रहा है और किसका सुधर रहा है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में? देखो टेस्ट तो जनता बिगाड़ती है और जनता सुधारती है। हाँ। किसका साथ दे रही है जनता अभी, क्या लग रहा है? जनता के मूड में क्या है वो किसी को पता नहीं है। देखो सर ये तो केजरीवाल जी की थी पिछले 5 साल सरकार। हाँ। और लोगों की उम्मीद भी बहुत थी उनसे, कुछ उम्मीदों पे वो खरे उतरे हैं और कुछ अधूरे सपने रह गए हैं जनता के। अच्छा तो देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ, हमारी सेल्फी में आएंगे। क्या चल रहा है दिल्ली में, कौन जीत रहा है, किसका रंग है? सर रंग तो अभी फिलहाल तो केजरीवाल जी का ही लग रहा है। क्यों ऐसा क्यों?
पता नहीं माहौल बना हुआ है हर तरफ। अच्छा, जैसे तो लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी का माहौल था, दिल्ली के अंदर तो सिर्फ इस टाइम पे तो केजरीवाल का ही लग रहा है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जिस तरह से लोकसभा में मोदी जी का माहौल था उसी तरह से दिल्ली में। इत्तफाक रखते हैं इनकी बात से, ऐसे ही है क्या? हाँ, फिलहाल तो केजरीवाल का ही लग रहा है। क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है? बस लोगों के दिमाग में कुछ बिजली पानी को लेकर के, या जो ये बसों में महिलाओं के लिए जो सफर फ्री किया है, या फिर स्कूलों में काम जो हुआ है उसको देखते हुए कुछ। सर आप देख रहे हैं बड़ी शिद्दत से हमारी तरफ हैं, बहुत बताइए क्या लग रहा है दिल्ली? केजरीवाल ने हॉस्पिटलों में बहुत अच्छा काम किया है, स्कूलों का भी अच्छा काम किया है, और पानी बिजली में भी गरीब तबके को, मीडियम परिवार को सहूलत दी है इसने। अच्छा, केजरीवाल में काम में फायदा होगा इन्हें? बिल्कुल होगा, और इसी वजह से केजरीवाल आएगा। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। और लोगों से बात करेंगे कि उनके दिल में क्या है। देखिए दुकानों के साथ साथ हम यहाँ पर चल रहे हैं, लोग हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये भाई साहब दुकानदार हैं। दुकानदार ये क्या, मैंने सही कहा सर? चुनाव में क्या रंग चल रहा है भाई, क्या हो रहा है, कौन जीतेगा चुनाव में? तो हम जो सपोर्ट करेंगे, आम आदमी आनी चाहिए। बीजेपी हमारे यहाँ से करीब 5 साल हो गए, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे यहाँ के जो वो है विधायक जी, कभी मार्केट में नहीं आए, कभी नहीं। विजेंद्र गुप्ता जी के खिलाफ है पब्लिक बहुत ज्यादा। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि पिछले 5 साल में उन्होंने कोई भी विकास कार्य यहाँ पे नहीं किया है। दिल्ली में पूरा झाड़ू का इस टाइम हिसाब किताब चल रहा है, और केजरीवाल जी ने पूरा दिल्ली में अच्छे से विकास किया है। दिल्ली के स्कूलिंग, दिल्ली के हॉस्पिटल, मेरे नॉन टू में एक पर्सन थे, एक सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने एक नंबर पे कंप्लेंट करी। अच्छा, 45 मिनट के बाद एक एम्बुलेंस और एक डॉक्टर उनको ढूंढते हुए उनके घर पे आए भाई साहब। अच्छा, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। रोहिणी उन 3 विधानसभाओं में से एक है जहाँ पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, और रोहिणी से विधायक बने थे विजेंद्र गुप्ता, जो कि एक बार फिर 5 साल बाद चुनाव में दूसरी बार मैदान में है। सर आप दिल्ली की सेल्फी हमारा खास प्रोग्राम है, उसके उसमें हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी तक हम जनता से पूछते थे कौन जीत रहा है, तो इस बार नेताओं से भी पूछने की बारी है कि कौन जीत रहा है दिल्ली में। ये तो अब जनता के दरबार में है मामला, और जनता का रुख आप रोहिणी में देख सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता मैदान में है और दर दर घूम रहे, वोट मांग रहे हैं यहाँ पर। आप, सर आपकी बातचीत सुनवा दें जी। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आया हूँ। हमें कैसे विधायक जी हैं, काम आप किया? बहुत काम किया, बहुत इन्होंने तो जी। अच्छा, इन सबसे विधायक है निको? हाँ जी, मैंने यहाँ सारी सड़कें नहीं बनवाई है, अभी यहाँ पर मालिकाना हक दिलवाया है, और रजिस्ट्रियाँ हुई है, पार्क विकसित कराया है बहुत बड़ा सामने। अच्छा, RW भवन बनवाया है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भाई राजेश नामा जिंदाबाद, भाई राजेश नामा जिंदाबाद, मोर लगेगी। ये मेरे पीछे रोहिणी विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेश नामा जी हैं। राजेश जी, ये बताइए, आप रोहिणी से चुनाव लड़ रहे हैं, रोहिणी वो सीट है जो 67 में भी जीत गई थी, मतलब आप 67 जीते थे और बीजेपी जो 3 सीटें जीती थी उनमें से एक थी, तो चुनौती विजेंद्र गुप्ता तगड़ी देंगे? पिछले 5 साल में जितना काम दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने किया है, और हमारी रोहिणी वंचित रह गई थी क्योंकि भ्रम की स्थिति फैला के रोहिणी के अंदर तो ये चुनाव जीत गए थे। इस बार हम 70 की 70 सीटें जीत रहे हैं, और पिछले 5 सालों में जिस तरीके से ना रोहिणी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने, ना कैमरे लगे, कोई भी कार्य नहीं हुए। विजेंद्र जी जो तो कह रहे हैं कि वो गली गली घूमे, खूब काम कराया है, और वो बड़े नेता भी हैं, वो कह रहे हैं इस बार 45 पार सीटें जीतेंगे। पूरे 4.5 साल वो पंडारा रोड बैठे रहे, अब 2 महीने से यहाँ आके वोट मांगने लग गए, तो इसे काम नहीं कहते। सारी जनता इस बार जवाब देगी। तो कुछ दुकानों में भी एक बार जायजा ले लेते हैं कि आखिर चुनावी माहौल क्या है। देखिए यहाँ हम दुकान में आए हैं, ये देखिए दो लोग हमारी सेल्फी का हिस्सा बन रहे हैं मुझे, लेकिन ये ग्राहक नजर नहीं आ रहे। क्या बात है, ग्राहक ग्राहक नहीं आ रहे क्या? सर जब से GST लागू हुआ है तो तब से बहुत मंदा चल रहा है दिल्ली में। चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव, तो क्या लग रहा है आपको दिल्ली में? उम्मीद तो सर केजरीवाल की है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए? जिस हिसाब से काम करवाया है। क्या काम करवाया?
जैसे भी मेरी मदर का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है और भी ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री कर दिए हैं, तो काफी उससे फर्क पड़ रहा है। काफी फर्क पड़ेगा, और भी लोग हैं हमारे साथ, देखिए ये आप बताइए अभी आप बोल रहे थे हमारे सेल्फी में आइए, अच्छा लगेगा। मैं बोलता हूँ आप बोलेंगे, आप दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल ही जीतेगा सर। ऐसा क्यों? ऐसा है, तीन चार काम कराए सर जी, जिससे आम आदमी को ही फर्क पड़ा है, तो इसलिए आम आदमी ही जीतेगा। बसेस फ्री कर दिए लेडीज के लिए, और यहाँ पे जो नॉर्मल छोटी मोटी बिजली बिल है वो भी कम आम आदमी की वजह से ही आ रहा है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। ये हमारी सेल्फी का हिस्सा बनने के लिए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे हम जानेंगे दिल्ली के चुनावी रंग के बारे में, दिल्ली के चुनावी माहौल के बारे में। तो आपसे शुरू करें, आइए हमारी सेल्फी में। पहले आप हैं। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव में, किसका माहौल? केजरीवाल जी आएंगे हमारे यहाँ से, जो बंसी वाले आएंगे। आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? केजरीवाल ही आएगा इस बार। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? उन्होंने सारे गलियों के अंदर कैमरे वगैरह लगवाए जो कि पहले नहीं लगे हुए थे। हर गली के इस टाइम पे सेफ्टी पे कोई चोर चक्कर नहीं आ पाएंगे। अब केजरीवाल ही आएगा, लग नहीं रहा पूरा पूरा बुरा है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि वही आएंगे? सर हमें तो सुविधाएं दे रहे हैं, क्या सुविधा मिली है? हॉस्पिटल में गया हूँ, वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड फ्री हुआ है। अच्छा, पथरी का था। हाँ। रात को ये भाई साहब लेके गए थे मेरे सामने, आमने सामने। बाहर कितना पैसा लगता है? बाहर में मेरे का 700-800 रुपए लगता है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। लेकर जाने वाले शख्स की पहचान हो गई है। शाहीन बाग में पिस्तौल लेकर पहुंचने वाले शख्स की पहचान लुकमान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल लुकमान की ही है, पुलिस ने लुकमान को जांच के लिए बुलाया है। तो शख्स की पहचान हो गई है जो शाहीन बाग में पिस्तौल लेकर गया था, और बताया जा रहा है कि पिस्तौल ले जाने वाला शख्स का नाम लुकमान है, और अब दिल्ली पुलिस ने लुकमान को जांच के लिए बुलाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कल लुकमान पिस्तौल लेकर के गया था, और बताया यह भी गया है कि लुकमान की ही पिस्तौल थी जो उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। दीपक, लुकमान के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि कल जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद अब वो लगातार पूछताछ करेगी, और इसी वजह से लुकमान को जो है थाने में बुलाया गया है। शाहीन बाग थाने में दिल्ली पुलिस ने बुलाया है, क्योंकि वहां पर पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि जो पिस्टल है वो लुकमान की थी, और जिस तरह से वो प्रदर्शनकारियों के बीच में शाहीन बाग में देखा गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने जब उसके पास पिस्टल देखी तो काफ़ी हो हल्ला मचा था। बड़ी मुश्किल से वहां पर हालात संभले थे और उसके बाद उसको बाहर किया गया था, लेकिन कल किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई थी। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने उसको जो है पूछताछ के लिए बुलाया है, और हो सकता है कि कुछ देर बाद वो शाहीन बाग थाने पहुंचेगा और पुलिस की जाँच में शामिल होगा। जी बिल्कुल, कुछ देर बाद वो थाने पहुंचेगा और पुलिस की जांच में शामिल होगा। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि शाहीन बाग इस वक्त बड़ा मुद्दा बन गया है और वहां पर सुरक्षा का पहरा भी है, पुलिस भी वहां पर मुस्तैद है, उसके बावजूद एक शख्स वहां पर पिस्तौल लेकर जाता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि कुछ भी ऐसा हो सकता था, क्यों लेकर वो पिस्टल वहां पर गया है इस पूरे मामले पर, क्योंकि पुलिस उससे पूछना चाहती है, क्योंकि वहां पर अगर वो पिस्टल लेकर किसी तरह के कोई इरादे को लेकर वहां पर गया था तो बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह का प्रोटेस्ट पिछले 1.5 महीने से शाहीन बाग में चल रहा है, और इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली के चुनाव पर भी काफ़ी जो है बयानबाजी हो रही है, उसके बाद इस तरह की पिस्टल लेकर वहां पर जाना उसके इरादे जाहिर करता है कि वहां पर लेकर वो क्यों गया और किस इरादे से किस मकसद से गया था, ये सारी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस जुटाएगी, क्योंकि उससे पूछताछ करना अहम हो चुका है, और यही वजह है, क्योंकि पिछले अगर एक दिन पहले जिस तरह से वो अचानक घुसकर प्रदर्शनकारियों के बीच में पिस्टल लेते के साथ देखा गया था, तो उसके बाद ये जरूरी पूछना हो गया, उससे पूछताछ करनी जरूरी हो गई है कि आखिर उसका मकसद क्या था, क्यों पिस्टल लेकर वो प्रदर्शनकारियों के बीच में गया था, और क्या वहां पर किसी तरह का उसका कोई इरादा था, इसको लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। जी तो दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल सीए का मुद्दा और शाहीन बाग का मुद्दा दिल्ली के चुनावों में गहराता जा रहा है। जंतर मंतर में अब से थोड़ी ही देर में लोग प्रदर्शन के लिए जुटने वाले हैं, शाहीन बाग की महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी, योगेंद्र यादव स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव वहां पर पहुंचेंगे, आयुषी घोष वहां पर पहुंचेंगी, और भी कई बड़े नेता भी वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, जो जनता है, वो क्या कह रही है दिल्ली के चुनावों को लेकर, जल्दी से उनसे जान लेते हैं। क्या लग रहा है आपको दिल्ली के चुनावों में शाहीन बाग का जो मुद्दा है, सीए
सीए का जो मुद्दा है वो दिल्ली के चुनाव में प्रभाव डालेगा? नहीं, केजरीवाल जी के काम के ऊपर, केजरीवाल के काम, बिजली पानी, हाँ, हॉस्पिटल है या पानी का है, बिजली का है। और कल बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया और दिखाया कि स्कूलों की बात कर रहे हैं लेकिन स्कूल की हालत तो बहुत खस्ता हाल है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही झूठ फैला रहे हैं। पहले से ही बंद है, बंद है जी। अच्छा, पहले से बंद है जो स्कूल है, राव जो ने स्कूल के अंदर वीवीआईपी एक तरीके से स्कूल बनाया, बहुत अच्छा बनाया। आपको लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है बिल्कुल इस बार आम आदमी पार्टी जी। और हॉस्पिटल में हमारा भी अच्छा इलाज हुआ, 2-3 हजार महीने की दवाइयाँ मिलती हैं। हमारे मिस का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, फ्री इलाज होता सारा। अच्छा, और आपके ये महाजन वो है लैब है, 5 हजार का, 20-20 हजार रुपए का टेस्ट फ्री हो गया। अच्छा, और जंतर मंतर पे भी आज लोग, मतलब पहले से ही है। अच्छा, जंतर मंतर पे भी आज से थोड़ी देर में लोग जुटने वाले हैं सीए के मुद्दे पर। शाहीन बाग में जो महिलाएं प्रदर्शन करने बैठी थी वो यहाँ पहुँचेंगे, उसको देख कर क्या कहें? मैडम जी, वो तो आगे का भविष्य है, हम वो भविष्य ना देख के ना अभी का माहौल देख रहे हैं कि वोटिंग की गेम में। अब कल के केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं ये दूंगा, 5 साल ये सारा फ्री करूंगा, वो लेके कहाँ से आएगा? सब राजकोष तो खाली कर देगा, आगे के लिए क्या बचेगा? और ये सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली के चुनाव में इसका प्रभाव दिखेगा? बिल्कुल दिखाई देगा जी, और बाकी इलेक्शनों के बाद इसकी जनरल रिपोर्ट आएगी, देखेंगे किस साइड क्या हो सकता है। आप तो युवा हैं, आपको क्या लग रहा है, विकास या फिर ये सीए और शाहीनबाग का मुद्दा इस बार हावी पड़ जाएगा चुनावों में? ये सीए और ये शाहीनबाग का जो मुद्दा है पूरे देश का मुद्दा है, हाँ। ये और चुनाव वाला तो पूरा सिर्फ दिल्ली वाला है, हाँ। तो इसलिए वो मोदी जी को वोट देना चाहिए, मोदी को वोट देना चाहिए, हाँ। आपको क्या लगता है? मैं आम आदमी पार्टी जो बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, हाँ। अभी तो वो दे रही है, लेकिन आने वाले समय में फिर वो पैसा कहाँ से आएगा? तो अब मोदी सरकार या जो भी ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, बस फ्री कर दिए, वो घाटा तो गवर्नमेंट का ही हो रहा है, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर जो लोग हैं अलग अलग उनकी राय सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के फैसले जो किए गए हैं, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा हो या स्वास्थ्य शिक्षा पे किया गया काम हो, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल आज 4 रोड शो भी कर रहे हैं दिल्ली में, पूरी ताकत आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनावों के मद्देनजर झोंकती नजर आ रही है। फिलहाल ये रोड शो अरविंद केजरीवाल का शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, हरिनगर की ये तस्वीरें, वहां पर अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं और पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई कमी बीजेपी ने भी नहीं छोड़ी है, बीजेपी की तरफ से भी कई दिग्गज मैदान में उतरेंगे और आज अमित शाह ही 4 यहां पर रैली करेंगे, उसके बाद स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरे भी मैदान में होंगे और टक्कर देते हुए नजर आएंगे उम्मीदवारों के लिए, मैदान में उतरकर प्रचार करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लगातार जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है इस तरीके से रोड शो अरविंद केजरीवाल करते आए हैं और उनको पूरा भरोसा है कि जो दिल्ली की जनता है वो उनके किए गए कामों पर इस वक्त चुनाव पे मतदान करने के लिए जाएगी। लेकिन इन सब के बीच शाहीन बाग का मुद्दा भी गरमाता जा रहा है, जिस पर बीजेपी का ये कहना है कि कोई भी खुलकर स्टैंड आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लियर नहीं किया जा रहा है कि शाहीन बाग के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी किस तरफ है। लेकिन अपने किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल अब लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। चंदन जजवाड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंदन, ये रोड शो शुरू हो चुका है, क्या रहने वाला है, कहां से कहां तक जाएगा ये रोड शो? देखिए अर्पिता, फिलहाल अगर हम बात करें तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो हरिनगर में रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी जामिया से जेएनयू से लोग पहुंच रहे हैं, यहां पर बैनर पोस्टर लग चुका है, बड़ी संख्या में पुलिस वाले यहां पर पहुंच गए। माना जा रहा है कि बड़ी भीड़ आएगी सीए और एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करने के लिए। मनोज झा यहाँ पर रहेंगे आरजेडी की तरफ से, उसके बाद योगेंद्र यादव रहेंगे, आशी घोष जो जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट है वो रहेंगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार पर हमला किया जाएगा, यानी कि दो तरफ से, तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ जो है यहाँ से जंतर मंतर से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। देखना होगा कि अब बीजेपी की तरफ से जंतर मंतर पर जो भाषण होते हैं उसके काउंटर में क्या कहा जाता है। तो चंदन, जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि अब से थोड़ी ही देर में वहां पर लोगों का जुटना भी, धीरे धीरे संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं और ये तादाद देखिए आगे बढ़ेगी भी, क्योंकि शाहीन बाग का मुद्दा जो 15 दिसंबर से शुरू हुआ वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वहां पर जो लोग, जिन्हें आम लोग, जिन्हें परेशानी हो रही थी, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन कोई राहत उससे मिलती हुई नजर नहीं आई थी, कोई डेडलाइन भी पुलिस को नहीं दी गई थी। लेकिन ये निर्देश जरूर कहा जरूर गया था कि पुलिस जो है इस बारे में सोचे, लेकिन अभी तक उसका कोई रास्ता देखिए निकला नहीं है। लेकिन ये मुद्दा दिल्ली के चुनाव में बहुत प्रभाव
डालता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज जंतर मंतर में योगेंद्र यादव भी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे, आयशी घोष भी वो भी पहुंचेंगी, आरजेडी के नेता भी वहां पर पहुंचेंगे और इस सब के बीच सीए का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा अब दिल्ली के चुनावों पर भी प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। चंदन, योगेंद्र यादव, आयशी घोष और ऐसे कौन कौन से चेहरे जो जंतर मंतर में इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, तीन ये बड़े चेहरे हैं जिनका पहले से प्लान है कि 11 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन थोड़ा विलंब इसमें हो सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर जिस तरह की रिस्पांस होगी, जिस तरह की भीड़ होगी, उसके बाद हो सकता है कि कुछ और समर्थन उनको मिले, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो योगेंद्र यादव, मनोज झा और आयशी घोष यहाँ पर पहुँचेंगे। एक बड़ी बात और ये है कि इन पार्टियों ने, लेफ्ट पार्टी या आरजेडी ने, भारत बंद की भी अपील की है आज सीए के खिलाफ में। तो कुल मिलाकर बात करें तो जिन पार्टियों ने अपील की है भारत बंद की, उन्हीं पार्टियों के लोग या उनके समर्थक यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। दूसरी तरफ शाहीन बाग की महिलाएं भी आ रही हैं, जिन जो कि काफी पॉपुलर हैं, फेमस हैं सोशल मीडिया पर, दादियां जिनको कहा जाता है, वो भी आकर के केंद्र सरकार के खिलाफ नारे यहां से बुलंद करेंगी सीएए के खिलाफ। कुल मिलाकर बात करें तो यहां पर जो भीड़ जमा हो रही है वो पूरी तरह से सीएए एनआरसी के खिलाफ भीड़ जो है यहां पर जमा होगी और वो केंद्र सरकार पर अपनी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेगी। लंबे समय से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि पार्लियामेंट के करीब है, जो सांसद नीति बनाते पॉलिसी बनाते उनके करीब ये इलाका है, तो उनके कानों तक आवाज़ पहुंचे, ये कोशिश होगी यहाँ से प्रोटेस्ट करने वालों की। देखना होगा कि थोड़ी देर में जब यहाँ से आवाज़ें बुलंद होगी तो उसके बाद किस तरह से यहाँ से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, ये देखना होगा। दूसरी तरफ आरजेडी का क्या रवैया होगा ये भी बड़ा खास होगा, क्योंकि बिहार की इंटरनल पॉलिटिक्स भी काफ़ी गर्म हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर का मैटर, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ लोग भी यहाँ पर उनसे बात भी करते हैं, आप बताइए, आप लोग सीए के खिलाफ पहुंचे हुए हैं, क्या कहना है आपका? भाई सरकारी से वापिस ले, गलत कानून है, राइट अमेंडमेंट होना चाहिए इसका। जो तरीका जैसे सबको वो सीए के जैसे औरों को वो दे रहे हैं कि भाई बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं वो आएंगे, उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी प्रताड़ित होने के बाद में, तो अगर वहाँ से दिगर और भी आए कोई, सबको एक सा समझा जाए। क्या आप लोगों को, आप लोगों के मन में ये डर कहीं बैठा हुआ कि भारत के जो मुस्लिम हैं उनकी नागरिकता छीनी जाएगी, क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? फिर क्यों विरोध आप लोगों का है? इट मस्ट बी इक्वल राइट्स अमेंडमेंट, नॉट सीए, वी वांट इक्वल राइट्स अमेंडमेंट, दैट्स इट, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ द गवर्नमेंट, वी लव गवर्नमेंट, वी लव इंडिया, दैट्स नॉट, बट वी वांट द ईआरए। आप बताएं क्या डर है आप लोगों के मन में? ये डर ये है, क्या नाम है, ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, रोजगार है नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगारी है। जो लोग ये बुला रहे हैं, सीए लगाया है, क्या नाम है, इन्होंने, उनकी क्या गारंटी है कि वो लोग उग्रवादी नहीं होंगे, टेररिस्ट नहीं होंगे, उनकी क्या गारंटी दे सकते हैं ये लोग? यहाँ के लोगों को तहलका मचा रखा, पब्लिक रखा है। आप बताइए आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत में रोजगार है नहीं, युवा पीढ़ी को नौकरी मिल नहीं पाती, कोई छोले कोई चने बेच के रोजगार चला रहा है अपना, और बाहर के लोग को बुला के ना दिक्कत देंगे और महामारी फैलेगी। तो आप सुन सकते हैं कि लोगों के अलग अलग जो हैं यहाँ पर वर्जन, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात है कि धर्म के आधार पर नागरिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, विरोध इस बात का हो रहा है। धर्म के आधार पर तो नागरिकता पाकिस्तान में नहीं है और आप इंडिया में लागू कर रहे हैं, तो जो सरासर गलत है, अमानवीय है और ये सबसे काला कानून है, ये मेन बात है इसमें। और इसी को लेकर देश भर में अगर कोई आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये हम सब देश में एक साजिश है ताकि देश को बर्बाद किया जाए, देश को अंदर से कमज़ोर किया जाए और बाहरी ताकतें और हमारी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर बाहरी ताकतें हमारे देश में आ सकती हैं, नफरत बढ़ा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं होनी चाहिए, मूल रूप से विरोध इसका है ना। असम को भारत से काटने जैसे भड़काऊ बयान देने वाले जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम को लेकर दिल्ली पुलिस पटना से दिल्ली के लिए निकल चुकी है। शर्जिल इमाम को कल बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 2 दिनों की रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंपा है। इसके पहले कल शर्जिल के समर्थन में एएमयू और जेएनयू में कुछ छात्रों ने नारेबाजी भी की थी। तो अब शर्जिल को बिहार से दिल्ली लेकर आएगी पुलिस और उसके बाद दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करेगी। कल बिहार के जहानाबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। शर्जिल के खिलाफ 5 राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज है और अब उससे पूछताछ होगी। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी कल जब वो मीडिया के सामने आया और जब मीडिया के कैमरों ने उसे कैद किया, तो बिहार से उसकी गिरफ्तारी हो पाई है और अमित शाह ने भी इसको लेकर बयान दिया है। कल जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद पटना
गर्दनीबाग थाने में रखा गया था जो महिला थाना है, और देर रात वहां पर पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि बहुत कुछ पुलिस के सामने वो खुलकर नहीं बता पाया, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ज़्यादातर कॉल सर्जिल व्हाट्सएप के जरिए करता था, इसलिए पुलिस को ट्रेस करने में परेशानी हो रही थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सर्जिल गया के बाद जहानाबाद और जहानाबाद के बाद पटना पहुंचा था और एक पूर्व वार्ड पार्षद के यहाँ ठहरा हुआ था, और वही वार्ड पार्षद इसको पटना में संरक्षण दे रहा था। हालांकि जब पुलिस की दबिश बढ़ी तो फिर सर्जिल पटना से जहानाबाद पहुंच गया, और कल जब पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके बाद कई बातें सामने आई है। सुबह में उसके भाई और एक उसके दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया था, और पूछताछ के दौरान यह बातें सामने आई कि वो जो काको इलाका है वहीं पर अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। और जब पुलिस की दबिश बढ़ी, क्राइम ब्रांच की दबिश बढ़ी, उसके बाद जैसे ही वो अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा था उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। सर्जिल इमाम ने जो बयान दिए हैं वे राष्ट्रद्रोह के दायरे में आने वाले बयान हैं। देश को, असम को, नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने के बयान हैं। उसके निंदा करने के बजाय वृंदा कारात, केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे सभी लोग कहीं ना कहीं उनके समर्थन करते दिखाई देते हैं। पंजाब के जालंधर में एक कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। ये पूरी घटना हालांकि एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि बच्चा ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था, उसी वक्त वहां के एक घर से निकले कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने बच्चे को छोड़ने के लिए कुत्ता तैयार नहीं हुआ और लगातार बच्चे को काटता रहा। आखिरकार एक महिला ने बच्चे को कुत्ते के मुंह से छुड़ाया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो जालंधर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया। आप देखिए यहां पर कुत्ते को पीटा भी गया डंडे से ताकि वो बच्चे को छोड़ दे, लेकिन कुत्ते ने ऐसा नहीं किया और बच्चे को दबोच लिया था। उसके बाद वहां पर कुछ और लोग पहुंचते हैं और आखिरकार एक महिला आती है जो बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब होती है। बच्चे को काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं और जख्मी हालत में बच्चे को अस्पताल लेकर जाया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा लौट रहा था, घर लौट रहा था और ट्यूशन से वो लौट रहा था, उसी वक्त कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। आप देखिए कि यहाँ पर दो से तीन लोग, जो क्योंकि ये संकरी गली है, लोग वहाँ पर मौजूद थे जो काफ़ी कोशिश करते हैं कि कुत्ते से बच्चे को छुड़ाया जाए, लेकिन कुत्ते ने काफ़ी देर तक बच्चे को दबोचा रहा और उसे काटा भी। इसके बाद देखिए महिला आती है और महिला वहाँ पर कुत्ते को भगाने की कोशिश करती है और आखिरकार महिला को कामयाबी मिलती है। बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया जाता है, उसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की मनाली में जमकर बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी से इलाके में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। भारी बर्फबारी ने जहां इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। मनाली में लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए जुट रहे हैं, वहीं बर्फ से जुड़े खेलों का भी लोगों में खासा क्रेज है। बड़ों के साथ बच्चे भी इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो मनाली की तस्वीर आप देखिए, जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ की चादर से पूरा इलाका ढका हुआ है और पर्यटक यहां पर काफी संख्या में मौजूद हैं जो खासकर स्नोफॉल देखने के लिए मनाली पहुंचते हैं, विंटर वैकेशन मनाली में प्लान करते हैं, और वो काफी ज्यादा खुश हैं इस बर्फबारी को देखकर। जो विंटर स्पोर्ट्स होते हैं उसका भी मजा लिया जा रहा है। आप ये देखिए, बर्फबारी ने एक तरफ स्थानीय लोगों की परेशानी तो बढ़ा दी है, लेकिन जो पर्यटक हैं काफी खुश हैं। जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ है, और ये देखिए मस्ती करते बच्चे बड़े पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं जो छुट्टियों का मजा ले रहे हैं इस बर्फबारी के साथ। और हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जो बर्फ की चपेट में हैं और इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है और यहाँ के गाइड और टूरिस्ट भी अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है सबका। हाँ। सब मजे कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बर्फबारी जारी है। शिमला के कुफरी में भारी बर्फबारी के बीच एक महिला मरीज को पुलिस की मदद से शिमला के आईजीएमसी अस्पताल भेजा गया। महिला मरीज को इस बीच पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल भेजा। तो पुलिस ने महिला मरीज की मदद की। शिमला की ये तस्वीरें जहां पर बर्फबारी की चपेट में है पूरा इलाका। इस बीच एक महिला मरीज को आप देखिए, पुलिस वालों ने मदद की और पुलिस की गाड़ी में ही महिला मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। ये तस्वीरें शिमला की है। शिमला के
जो हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं वो बर्फबारी की चपेट में है और राजधानी शिमला में भी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। ऐसे में एक महिला मरीज जिसको तुरंत इलाज की जरूरत थी उसकी मदद के लिए पुलिस आगे आई। पुलिस ने महिला को उठाया और पुलिस की गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया।